हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपना नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करेंगे और वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2, और इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2 एंड इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन की कि इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हसन क्लेवर मेथड से इसको ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लोरीन गैस होती है उस क्लोरीन गैस को लाइम वाटर से पास करवाया जाता है, ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम क्लोरीन गैस को इस सॉल्यूशन में से पास करवाएंगे तो रिएक्शन होगी और क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा। अब कहता है कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर बनेगा हम उस पाउडर को ओपन एयर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हमें उन पाउडर को तुरंत पैकेट में डालना पड़ेगा। अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए ओपन रह गए तो जो उनकी ब्लीचिंग पावर है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो इनकी ब्लीचिंग पावर होती है वो सारी किसकी वजह से होती है, क्लोरीन गैस की वजह से। और अगर हमने इसको ओपन में रख दिया तो सारे के सारे क्लोरीन गैस इवेपोरेट हो सकती है, वो निकल सकती है एयर के साथ रिएक्शन करके, और इसकी जो एडवांटेज है वो क्या हो जाएगी, जो एप्लीकेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एडवांटेज कम होती जाएगी, क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए उसको तुरंत क्या करते हैं, जैसे फॉर्मेशन हुई उसको तुरंत पैकेट के अंदर डालते हैं। अब बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी। तो जो हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट की, तो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में रहता है बट किसकी फॉर्म में रहेगा, ये पाउडर फॉर्म में रहेगा, होगा सॉलिड बट एग्जिस्ट करेगा पाउडर फॉर्म में। दूसरा है, अगर बात करें इसके कलर की, तो येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलोइश, ठीक है, हल्का येलो कलर का होगा, व्हाइट पाउडर होगा ये। नेक्स्ट अगर बात करें सोल्युबिलिटी की, तो वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, वाटर में सोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। और जो इसकी सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे ब्लीचिंग पाउडर की जो सोल्युबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्लीचिंग पाउडर डिसॉल्व होगा, सोल्युबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है बट वाटर में जब आप इसको हीट करते हो, हॉट वाटर लेते हो, तो उसके अंदर इसकी सोल्युबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको एयर में ओपन रख देते, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हुई तुरंत उसको हम पैकेट के अंदर पैक कर देते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि ये एयर के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद एयर। अब एयर के अंदर CO2 गैस होगी और ये ब्लीचिंग पाउडर CO2 गैस के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। जो ब्लीचिंग पावर है, ठीक है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जिसकी वजह से है वो किसकी वजह से होती है, क्लोरीन गैस की। और जब वो क्लोरीन गैस ही नहीं रहेगी तो इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी नहीं बचेगी, तो एयर के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड कि एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे। तो जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब जो वो क्लोरीन गैस होती है उसको बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन, कि उस कंपाउंड में कितनी क्लोरीन प्रेजेंट थी। तो जितनी ज्यादा क्लोरीन गैस वो इवॉल्व करता है, इसका मतलब होगा कि उतनी ही अच्छी क्वालिटी का वो कंपाउंड होगा, और जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा तो जो उसकी कीमत होगी, कॉस्ट होगी, वो भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को
रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, H2SO4 ले सकते हो या फिर HCl का यूज कर सकते हो, कोई भी एसिड डाइल्यूट फॉर्म में जब लेंगे तो क्या करवाते हैं, CaSO4 प्लस H2O और कौन सी गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस, दिस क्लोरीन इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, तो सब कुछ इस क्लोरीन के ऊपर है, जितनी अमाउंट में वो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का वो ब्लीचिंग पाउडर माना जाएगा। ठीक है, तो अब जिस भी क्लोथ को ब्लीच करना हो, ब्लीच जनरली किस लिए करते हैं, हम डीकलराइज करने के लिए। ब्लीच का मतलब ये होता है जब किसी सब्सटेंस लाइक क्लोथ, तो कपड़ों के ऊपर जब कोई कलर लग जाता है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीच। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये उस कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और उस ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। तो जो कलर होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं जो कलर या डाई होगी, तो क्या किया जाएगा, उसकी रिएक्शन किससे होगी, ब्लीचिंग पाउडर से। वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा और उस ऑक्सीडेशन की वजह से वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। बट जो फैब्रिक होते हैं, मैक्सिमम क्लोथ्स पे लिखा होता है डू नॉट ब्लीच, क्योंकि ये जो क्लोरीन गैस है ये फैब्रिक के लिए बहुत बेकार होती है, तो ये फैब्रिक्स को कमजोर बना सकती है जिससे कि उस क्लोथ की क्वालिटी कम हो सकती है। तो जिसका ब्लीच किया जाता है उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में वॉश किया जाता है ताकि कोई भी क्लोरीन उसके पास नहीं बची रहे, ताकि वो बाद तक रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, तो इसका जो मेन यूज है वो ब्लीचिंग में ही होता है, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, क्लोथ इंडस्ट्रीज हो, वुड्स हो, इन सबको ब्लीच करने में। साथ में जो क्लोरीन गैस है डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइज ऑफ वाटर में भी काम आती है, वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने में काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पीओपी। तो जो पीओपी है फुल फॉर्म क्या होती है उसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपने देखा भी होगा घर में डेकोरेशन में पीओपी का यूज होता है, जो चौक बनते हैं वो भी पीओपी के ही होते हैं, है ना। और अगर कोई बोन टूट जाती है, हड्डी ब्रेक हो जाती है, तो जो प्लास्टर होता है हॉस्पिटल में वो भी किससे होता है, पीओपी से। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा पीओपी। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी, वो बनता किससे है, ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। दिस इज कैल्शियम सल्फेट, हाफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेमी हाइड्रेट। तो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो वी कैन से दैट पर मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हैज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो इट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसको प्रिपेयर करते हैं जिप्सम से, जो इनिशियली पेरिस में फाइंड आउट हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बनाते हैं, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको ध्यान में रखेंगे जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर एक्सेस में चला गया तो जो पीओपी नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, CSO4 हाफ H2O और 3/2 H2O मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट कर देगा और क्या बन जाएगा, ये पीओपी फॉर्मेशन। बट अगर गलती से टेम्परेचर एक्सीड कर गया, मतलब ये नहीं है कि 100-110 काफी ज्यादा हो जाए, 150 से भी ज्यादा हो जाए, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेड बर्नड प्लास्टर। मतलब एक ऐसा प्लास्टर जिसने सेटिंग प्रॉपर्टी लॉस कर दी। पीओपी का मेन पर्पज काम क्या होता है, वो एक सीमेंट की तरह काम करता है ना, चिपकता है वो। बट जब ये बनेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, तो इसकी जो सेटिंग की प्रॉपर्टी है वो खत्म हो चुकी होगी, अब वो दीवारों पे या प्लास्टर के फॉर्म में या चौक के फॉर्म में वो सेटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसका जो यूज होगा वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको हीट करते हैं और जो हीटिंग होती है वो कंट्रोल हीट होती है। क्लियर है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, ये भी वाइटिश पाउडर होता है। ठीक है, और जब इसको बनाते हैं तो हमेशा उसको किस में रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में,
क्योंकि अगर इसको थोड़ी सी भी मॉइस्चर नमी मिल गई तो ये जो पीओपी है वाटर के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या बना लेगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको दोबारा पीओपी में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, मतलब कि वो हमारे लिए अनयूजफुल हो जाएगा, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यूजेस होंगे डेकोरेशन में काम आते हैं, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम आ सकते हैं, चौक बनाने में काम आ सकते हैं, स्टैचू बनाने में काम आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पीओपी जो सिंपल सा था। तो आप इन कंपाउंड्स को अच्छे से, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनको अच्छे से याद करोगे। ओके, थैंक यू।